औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनुर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बिल मशरिकैनिल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल खासिम मोहम्मद वाला अहले बैतही तय्यबीन ताहरीन अलमासुमीन अलमज़लुमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजऊन सलावत पढ़े मोहम्मद अज़ादारान इमाम रिज़वी कॉलेज बॉम्बे की ये दूसरी मजलिस है, सेकंड मजलिस है हिडन ट्रूथ की टॉपिक पर, अवर लास्ट जर्नी। इस टॉपिक पर इस बॉम्बे 1433 हिजरी की सेकंड मजलिस। कल मैंने इस आय मुबारक के ज़ैल में कुछ रिक्वेस्ट की थी कि असल टॉपिक बरज़ख से क़यामत तक की है, डे ऑफ जजमेंट की, कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते। मैं बड़ों से बात नहीं करता, बच्चों के लिए कह रहा कि इस टॉपिक को या उस पीरियड को, उस जर्नी को और उस ट्रूथ को, उस हकीकत को, उस रियलिटी को लोग कम जानते हैं एंड दे डोंट वांट टू नो आल्सो। इसलिए कि एक छुपी हुई चीज़ है, सामने एक छोटा सा बारीक सा पर्दा है, कर्टन है, उसके पीछे वो है और वो एक ऐसी रियलिटी है, ऐसी हकीकत है कि आप डिनाई कर ही नहीं सकते, 1.1% भी डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए कि ये ऐसा प्रूफ है अल्लाह की तरफ से कि जितने आए दुनिया में सब गए, कोई आज आप ये नहीं बता सकते कि कोई है। हमारा इमाम है, लेकिन इमाम की भी शहादत है, इमाम की भी शहादत है, ईसा नबी है उनकी भी वफ़ात है, खज़र नबी है वो भी मरेंगे, इदरीस है वो भी जाएंगे, इलियास है वो भी मरेंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा, कोई रहने नहीं आया। इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजऊन का मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से आए हैं एंड यू हैव टू गो बैक उसी की तरफ, कहीं और नहीं, कोई और डेस्टिनेशन नहीं है हमारा, कोई और ऐसी हिडन प्लेस नहीं है कि वेयर वी कैन गो एंड हाइड अवर सेल्फ, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। हर इंसान के लिए, काफिर मुशरिक सब, हर मजहब का जो आया जो आया, सबके लिए कोई दूसरी जगह नहीं है हमारे लिए। इसीलिए दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट, और इसको हमने टोटल इग्नोर कर दिया। कहाँ कहाँ हम जिक्र सुनते हैं इसका। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी ये टॉपिक पे इतना बड़ा मजमा दूसरे दिन भी आ गया। मैं तो कुछ और समझ रहा था, आई वॉज रियली स्केर्ड कि ये टॉपिक छेड़ो तो रिस्पॉन्स कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी, इसलिए कि अली वाले मौत से नहीं डरते, मौला अली के चाहने वाले उस जगह से नहीं डरते। मैंने जैसे कल कहा था कि मैंने इस टॉपिक पे दूसरे इमाम बारगाह में दूसरे मजलिसें पढ़ी, लाइफ आफ्टर डेथ पढ़ी, व्हाट टू टेक व्हाट नॉट टू टेक पढ़ा, लेकिन ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ रिज़वी कॉलेज बॉम्बे में 1433 हिजरी के अशरे में, ये बिल्कुल अलग है। ये है हिडन ट्रूथ, ये है अवर लास्ट जर्नी, कहाँ से, बरज़ख से शुरू होगी, डे ऑफ जजमेंट पे ख़त्म होगी, बस इतना सा पीरियड। लेकिन वो पीरियड छोटा नहीं है, वो ज़माना छोटा नहीं है, वो ज़माना इतना बड़ा ज़माना है। जब मजलिसें आगे बढ़ेंगी ना तो आपको
मौसम कितना गर्म हो गया था, सब लोगों ने लाइट्स को ऑन किया अपने टेलीफोन्स के ना, कि अंधेरा हम नहीं पसंद करते। इंसान के नेचर में अंधेरा नहीं है, आपकी फितरत में, हमारे नेचर में हम अंधेरों के आदि नहीं हैं, हम रोशनी के आदि हैं, ब्राइटनेस के आदि हैं, लाइट के आदि हैं। दोस्तों ये टॉपिक ही ऐसी है कि हम अंधेरों के आदि नहीं हैं, नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि मुझे सिर्फ अंधेरे में रहना है, सिर्फ अंधेरे में रहना, मैं रोशनी में रहना ही नहीं चाहता। कोई कोई नहीं मिलेगा, किसी शहर का वो हो, किसी मुल्क का हो, किसी जबान बोलता हो, कोई रंग का आदमी हो, कोई आदमी ये नहीं चाहता, लड़की लड़का औरत मर्द कोई, कि वो अंधेरों में रहे। हर इंसान चाहता है कि रोशनी में रहे। आपने देखा कि रोशनी जैसी आई सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई, सबके दिल को सुकून मिला। जब तक अंधेरा था खौफ था, अंधेरा था तो गर्मी भी थी। दोस्तों मैं जिस जिंदगी की बात कर रहा, मैं जिस लम्हे की बात कर रहा, जिस जगह की बात कर रहा, वहाँ पे रोशनी लेके जाना है, वहाँ नहीं मिलेगी। यू हैव टू कैरी। अना बैतुल वहशते व अना बैतुल वहशते वहशते। आप इंसाफ से बताइए कि ये जो पूरी चीज़ें हैं, जो मैं जिस टॉपिक को मैं लेके चल रहा, उसके लिए कितना अच्छा हमारे लिए एक लम्हे के लिए एग्जांपल बना कि सबके आप तो बेदार हो जाए, अब तो थोड़ा सा अपनी आँखों को खोलो, अब तो थोड़ी सी अपनी लाइफ में अवेयरनेस को पैदा करो कि देखो कि ये ऐसी ऐसा ट्रूथ है, ये ऐसी हकीकत है कि जैसे दिन में सूरज निकलता है, आप कहें मुझे सूरज नज़र नहीं आता, अगर कोई कहता है कि मुझे नज़र नहीं, सो व्हाट, वो अब लोग कहेंगे कि आपकी अकल की कमी है इसीलिए आपको नज़र नहीं आता। ये वो ट्रूथ है कि सबको वापस जाना है, कोई रहने नहीं आया दोस्तों यहाँ पर। Nobody is going to stay over here. एक दिन का बच्चा हो, 100 साल का हो, जब आए हैं तो you have to go back। मेरा सवाल इतने बड़े मजमे से यह है कि कहाँ जाएंगे, कभी इस पे सोचो। आज रात में बिस्तर पे जाके ये सोचो कि मैं बॉम्बे से जाऊंगा कहाँ, कभी तो जाऊंगा, कहीं तो जाऊंगा, किसी जगह पे तो जाऊंगा, कब जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कुछ पता है कब तक। दुनिया की जिंदगी कितनी तेज जा रही, ग्राफ कितना तेज जा रहा, उसके बाद भी आप भी अगर हम नहीं सोचते ना, तो हम ये हमको फिक्र करना है, ये सोचना है कि हमको वापस जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे। हम कहेंगे हम आरामबाग चले जाएंगे, सो आरामबाग जाकर क्या करेंगे, बातें करेंगे, आरामबाग जाके क्या करेंगे, खाना खाएंगे, आरामबाग जाके डिस्कस करेंगे, आरामबाग किसके साथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे वहाँ पे। बड़े बंगलों की आदत है ना, बड़े घरों की आदत है ना, यहाँ पे तो 6-7-8 करोड़ के फ्लैट्स है ना, वहाँ रहने की आदत है ना सबको, तो कहाँ जा रहे हैं, आरामबाग में क्या करने वाले हैं, वहाँ पे इतने बड़े 8 करोड़ का फ्लैट है वहाँ पे, उस फ्लैट की बात कर रहा मैं। इंशाल्लाह 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 ये 9 दिनों में फ्लैट्स नहीं, बंगले मिलेंगे, बंगले मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ रास्ता बताऊंगा, मैं वो दुआ बताऊंगा, वो तरीका बताऊंगा। अगर बंगला लेना है तो आप किसी रियल स्टेट एजेंट के पास जाते हैं ना, दुनिया में अगर प्रॉपर्टी खरीदना है कहाँ जाते हैं, खुद तो नहीं लेते, किसी नए शहर में, किसी नई बस्ती में, किसी नए मुल्क में आप जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहे। मिसाल के तौर पे लोगों ने दुबई में एक ज़माने में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, तो दुबई में गए और सीधा अपने फ्लैट ले लिया, किसी कोई ऐसा नहीं करता। जिस शहर में, इवन इंडिया में, अगर आप बॉम्बे में भी रहते हैं तो आप रियल स्टेट एजेंट के पास जाते हैं, जाके कहते हैं यार मुझे ऐसा 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 फ्लैट चाहिए, नहीं बोलते। इंडिया में किसी और स्टेट में आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो इंसान आंग बंद करता जाता, कोई भी घर में ले लेता, नो। एक तरीका है, एक उसूल है कि बंगला बनाना है तो बगैर इंजीनियर के नहीं बनता,
फ्लैट खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, तो रियल स्टेट एजेंट के पास जाते हैं, जाके चेक करते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। मैं आपका रियल स्टेट एजेंट बन गया, दुनिया की प्रॉपर्टी में नहीं, मैं आपको उस जगह पे प्रॉपर्टी दिलाने वाला हूं। अगर यहां पे कुछ भी नहीं है आपके पास, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, एक रुपया भी नहीं है, एक रुपया भी नहीं है, एक डॉलर भी नहीं है आपके पास, उसके बावजूद वहां की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। वहां की प्रॉपर्टी के लिए रुपया नहीं चाहिए, डॉलर नहीं चाहिए, यूरो नहीं चाहिए, वहां की प्रॉपर्टी की, वहां की जो करेंसी है उस करेंसी को कैश करो, कैश। उस करेंसी के बैंक्स यहां पर नहीं है, उस करेंसी के कोई ऐसा एक्सचेंज कंपनीज नहीं है कि आप दुनिया में उस करेंसी को खरीदो। उस करेंसी को खरीदने के लिए आपको अपने घर में खरीद सकते, घर से स्टार्ट करो। उस करेंसी का जो मार्केट खुलती है, उस वहां के रियल स्टेट की जो मार्केट खुलती है, दुनिया की रियल स्टेट की मार्केट सुबह 10 से 5 तक खुलती होगी, वहां की रियल स्टेट की मार्केट रात के 12 बजे से फजर तक खुलती है, समझे? रात के 12 बजे के बाद मिडनाइट से खुलती है। आप कहेंगे क्या वहां के टाइमिंग्स अलग है? यूरोप अमेरिका के जैसे टाइमिंग्स है क्या वहां के टाइमिंग्स अलग है? वहां की मार्केट उस वक्त खुलती है। एक और बात रोक के बोलूं, वहां की मार्केट 24 आवर खुली हुई है, 24 आवर, 24 घंटे, 24/7, 24/7 खुली हुई है, 24 आवर्स खुली हुई है। वहां की मार्केट के लिए कोई बड़े आदमी, कोई पढ़े लिखे आदमी की जरूरत नहीं है। वो वहां का फ्लैट ये बच्चा भी खरीद सकता है, एक लड़की भी खरीद सकती है, एक लड़का भी खरीद सकता है। पैसे की जरूरत नहीं है, बैंक जाके कैश कराने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो। रात के हिस्से में 11 रकत नहीं, 3 रकत नमाज पढ़ के कहो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर फुला मोमिन, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर। एक एक नाम लेते जाओगे, एक एक बंगला बनता जाएगा। अगर रात के हिस्से में करोगे, अगर रात के हिस्से में 100 मरतबा अस्तग़फ़ार करोगे, मासूम कहते हैं, आबिद बिगलामी नहीं कह रहा, कि वहां की मार्केट में तुम्हारा नाम, तुम्हारे शेयर्स खरीदे जाएंगे, कि जब इंसान अपनी अल्लाह की बारगाह में जाकर अस्तगफार करता है तो अल्लाह वहां की मार्केट में शेयर्स को जो फ्लोट कर रहा है वो इस तरह फ्लोट कर रहा है कि जब बंदे के गुनाह माफ हो रहे वहां रहमत के नाजिल होने शुरू हो जाती। वहां की मार्केट में अस्तगफार करना, यू आर नॉट लू गोइंग टू लूज एनीथिंग, सिर्फ जबान से। वहां की मार्केट के लिए टाइम को स्पेयर करना है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में से टाइम को स्पेयर करें। आई नो बॉम्बे में इट्स वेरी बिजी, यू पीपल आर रियली बिजी इन बॉम्बे, लेकिन दोस्तों वहां के रहना है। आपने देखा 5 मिनट लाइट चली गई तो अंधेरा बर्दाश्त नहीं हुआ, और बॉम्बे वालों को तो और नहीं होता, इसलिए कि बड़े लोग हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अंधेरा जब हम दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके इख्तियार में भी नहीं है, आपके कंट्रोल में भी नहीं है। जैसा अभी लाइट गई, किसी के कंट्रोल में नहीं थी, लाइट चली गई, हम कुछ नहीं कर सके। उसी तरह जब वहां का फरिश्ता आएगा और आके आपको बोलेगा लेट्स गो, आप कह सकते हैं उसको? मलकुल मौत जब आएगा और आके बोलेगा कि आबिद बिलग्रामी लेट्स गो, मैंने अपना नाम इसलिए लिया डर के कि अगर मैं किसी और का नाम लेता तो वो उसकी नींद उड़ जाती। नहीं, अगर वो आके कहे आबिद बिलग्रामी लेट्स गो, क्या मैं एक सेकंड के लिए, सेकंड के लिए मैं उसको कह सकता हूं नो आई एम वेरी बिजी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कम विद यू, प्लीज प्लीज बेदार होकर सुने। कोई बोल सकता? हिम्मत है बोलने की? क्या आप उसको बोल सकते हैं यार आई एम वेरी बिजी? क्या कोई बोल सकता है? आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, मैं क्या करूं, मीटिंग में बैठे हुए, मिलियन डॉलर की मीटिंग चल रही है, धंधे की बात है, बिजी हो। वो आ गया, आगे कहा तुम मिलियन डॉलर की बात कर रहे हो, लेट्स गो। तो आप उसको बोल सकते हैं कि हाउ डेयर आर यू, तुम आए कैसा अंदर, मैं तो बिजी हूं मीटिंग में। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं, उस लम्हे से डरो, मैं नहीं मौलाली कह रहा,
उस लम्हे से डरो, प्लीज प्लीज आई बेग यू उस लम्हे से डरो कि उस वक्त क्या करोगे। ऐसे 100,000 इंसिडेंट्स आपके मुल्क के हैं, आपके शहर के हैं कि एक सेकंड पहले कुछ था, दूसरे सेकंड में कुछ और हो गया। कहां गया वो मीटिंग, कहां गया वो पैसा? 24 घंटे गुजरने के बाद थोड़ा सा अपनी आंखों को खोल के, थोड़ा सा बेदार होकर, थोड़ा सा जब रिलैक्स होके खाना खा के बिस्तर पे जाओ ना, तो थोड़ा सा 5-6 मिनट सोचो, यार अगर मैं सुबह नहीं उठ सका तो क्या होगा मेरा, अगर रात में मैं चला गया तो मेरा क्या होगा। अब सुनो जाते कैसा है, कल बात यहां तक पहुंची थी कि 3 गुना ऐसे हैं कि जो मौत के वक्त सख्त तरीन अजाब होता है। पहला, यतीमों का हक खाना, किसी यतीम के पैसे खाना, किसी यतीम का हक मेरे ऊपर आ जाए, मेरे भाई के बच्चे, मेरे दोस्त के बच्चे, मेरे रिश्तेदार के बच्चे, कोई यतीम हो, यतीम जिसका बाप मर जाए, जिसका बाप मर जाए, उसके बच्चे अगर 1 रुपया भी किसी के पास है, 1 रुपया भी किसी यतीम का तुम्हारे पास है, मिसाल के तौर पे आपने, मिसाल दे रहा मैं कि आपने मुझसे 100 रुपीज़ बोरो किए, मिसाल दे रहा मैं 100 रुपीज़ आपने मुझसे बोरो किए, 100 रुपीज़ की इंडिया में वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़ आपने मुझसे बोरो किए, मैं मर गया, अब आप पे लाजिम है कि मेरे बच्चों को 100 रुपीज़ वापस करें। मैंने छोटी मिसाल दी सिर्फ, लोग घर कब्जा कर रहे, लोग पैसे आराम से किसी यतीम के लेते हैं, कहते हैं यार उसका कोई है ही नहीं, कैसे अदा करूं। यकीन करें अगर आपने किसी से बोरो किया है 1 रुपया और हमारी गर्दन में वो मर गया, तो वो यतीम का हक है, उस हक को हमको वापस करना है। अगर नहीं करोगे तो मैं अभी बताऊंगा कि जब मलकुल मौत आएगा ये तो गारंटी है ना, हम खुद से तो अल्लाह के पास नहीं जा सकते, हम खुद कहें कि परवरदिगार नाउ आई एम फेड अप विद दिस वर्ल्ड। कोई कहेगा आई एम फेड अप विद दिस वर्ल्ड? कोई नहीं कहेगा। अगर मैं कहूं कि मालिक मैं बहुत फेडअप हो गया यार, यहां पे दुनिया में रह के, बॉम्बे में रह के बड़ा बोर हो गया, मैं अब तेरे पास आना चाहता हूं, तो आप जा सकते हैं? कोई नहीं जा सकता। अल्लाह के पास प्रोसीजर है, अल्लाह के पास एक प्रोटोकॉल है, अल्लाह ऐसा डायरेक्ट नहीं बुलाता, अल्लाह फौरन मैं बोलने से कुछ नहीं होता, जो टाइम जो वक्त लम्हा लिखा हुआ है मलकुल मौत उसी वक्त आपके पास आता है, हमारे बोलने से मलकुल मौत नहीं आता। तो बहरहाल आप ये सोचो कि आप बोल सकते कि मैं चला जाऊँगा, कोई भी नहीं बोल सकता। तो मलकुल मौत कब आएगा, अभी भी आ सकता, कल भी आ सकता, 10 साल के बाद आ सकता, 20 साल के बाद आ सकता। अगर आ गया और आपके पास 1 रुपया रह गया, 100 रुपये किसी के आपने बोरो किए, आपने उसको अदा नहीं किए, वो यतीम है, वो बाप मर गया, बच्चे को देना, आप कहेंगे यार इतना लखपति है 100 रुपये का क्या वैल्यू, मैं नहीं दूंगा। यू हैव टू आंसर। मासूम कह रहे दारुस्सलाम किताब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मासूम कहने, मैं नहीं कह रहा, मासूम कहने के अगर तुम्हारे वो गर्दन के ऊपर किसी का हक है, किसी यतीम का है, तो फिर तुम खबरदार, जब मरको मौत आएगा तो वो आग का गुर्ज लेकर आएगा, वो हंटन लेकर आएगा। दूसरी ब्लैक मैजिक, कल भी मैंने कहा था, मैंने कल स्टार्ट किया था, आज उसको एंड तक लेके जाऊंगा, ये ब्लैक मैजिक, प्लीज प्लीज मैं कह रहा हूं, ये तसव्वुर मत करो कि तुम ब्लैक मैजिक से मैजिक कराकर तुम किसी के ऊपर काबू पा जाओगे, ये कुफुर है। अगर कोई शख्स, ये ब्लैक मैजिक लोग करवाते क्यों है, हसद में, जलसी में, कि उसके पास खुद के पास 3 बेडरूम का फ्लैट है, लेकिन अगर मेरे कोई दोस्त के पास 2 बेडरूम का फ्लैट आ जाए तो कहते हैं यार इसके पास आया कैसे इसके पास? अगर आपके पास गाड़ी है, उसके पास अगर गाड़ी आ जाए तो आप कहेंगे यार उसके पास आया कैसा? किसी खातून के पास डायमंड का पूरा सेट है,
और किसी और के पास आ जाए वो बर्दाश्त करेगी, हो सकता बॉम्बे वाले बर्दाश्त कर लें, आई डोंट नो, बॉम्बे में हो सकता कि बर्दाश्त होता होगा, लेकिन बाहर मैंने अपनी आंखों से देखा, कहते हैं यार उसके पास कैसा, ये लेडीज में ज्यादा है हसद, इस ये बीमारी में ब्लैक मैजिक। जिंदगी में याद रखो, अली के चाहने वाले अगर हो, शियाने अली हो, हुसैन के आजादार हो, हुसैन की मजलिस करते हो, तो जिंदगी में याद रखो कभी भी इस शैतानी अमल की तरफ सर उठा के नहीं देखना। मौलाली का जुमला है कि जो ब्लैक मैजिक करता है उसको जला दो, जला दो उसके एशिस को, उसकी राख को हवा में मुंतशर कर दो। ब्लैक मैजिक वो जुल्म अजीम है। अगर कोई कर रहा है, कोई करता है, मेरे पास बॉम्बे में 5 या 6 केसेस इस पीरियड में आए, 3 दिन में, 3-4 दिन में, वो लोग यहां इस वक्त मजलिस में मेरे सामने हैं, नाम तो मैं नहीं बोल सकता ना, इस वक्त बैठे हुए मेरे सामने 4 या 5 केसेस 4 दिन में, मैं 4 दिन 3 दिन से बॉम्बे में हूं, मेरे पास आए वो लोग, इस वक्त दे आर क्राइंग, लिटरली दे आर क्राइंग, रो रहे हैं, कहते मौलाना हम लूट गए। लेकिन एक चीज याद रखो, ये ब्लैक मैजिक करने वाले ये टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट अमल नहीं है। इसीलिए मैं सबको पूरे इस वक्त जो हजारों की तादाद में रिजवी कॉलेज बॉम्बे में मुझे सुन रहे ना, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चों से भी, मेरी माँ बहनों से भी, कि ज्यारत आशूरा के पाबंद हो जाओ। जो शख्स ज्यारत आशूरा पढ़ेगा, मैं मिंबर रसूल से 2 मुहर्रम को बॉम्बे में कह रहा हूँ, मेरी मजलिस टेप हो रही, आप हमेशा याद रखें, जो ज्यारत आशूरा पड़ेगा, आशूरा आशूरा आशूरा, ये मेरे जुमले ने इमाम के जुमले हैं, जो आशूरा के पाबंद हो जाए, जिस घर में ज्यारत आशूरा हो, अगर ब्लैक मैजिक कोई कैसा ही करे, कितना ही सिफली अमल करे, कितना ही अमल करे, इस तरह टकरा के वापस हो जाएगा। टोटल प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन शील्ड है, शील्ड, और शील्ड भी ऐसी मोटी शील्ड है कि कोई, मैं गारंटी के साथ कह रहा आपसे कि अगर कोई करेगा, कोई भी करेगा, तो वो एक लम्हे में चला जाएगा, एक लम्हे में, आ ही नहीं सकता, असर हो ही नहीं सकता। आप सर उठा के जब चले, आप बेफिक्री से चले, लेकिन आशूरा मेरी ख्वाहिश है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, घर में 10-15 मिनट रोजाना स्पेयर करो, डेली लड़की लड़का मर्द औरत, अगर बच्चे नहीं पढ़ सकते तो माँ लेके खड़े हो जाए, बाप लेके खड़े हो जाए, सुबह से शाम तक बिजी हो, शाम के वक्त खाना खाने से पहले, बिफोर यू टेक योर डिनर, मैं एग्जाम्पल दे रहा, कि खाना खाने से पहले अगर फैमिली पूरी जमा है, मासूम बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के, सब एक जगह खड़े होकर, एक आदमी पढ़ सकता, यह जरूरी भी नहीं है कि एक एक इंडिविजुअल पढ़े, एक आदमी भी अगर पढ़ेगा और पूरे सुनेंगे, जिस घर में आशूरा होगी वहां ब्लैक मैजिक का कोई असर नहीं होगा। असर किस पे होगा? आप ज्यारत आशूरा पढ़े, कोई आप पे अमल करा रहा है, पलट के उसी पे जाएगी, दूसरे दिन आप खुद देख लेंगे उसका हशर क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, बाबा से बलंद सलवात, ये पहला यतीमों का हक, दूसरा ज्यारत आशूर ब्लैक मैजिक, तीसरी चीज खते रहम, रिश्तेदारों के हक को तोड़ना। ये इतना, ये 3 गुना सकराते मौत के लिए असीम गुना है। उसकी रूह दारुसलाम किताब में रेफरेंस दे रहा, रिवायत का रावी है शेख सदूक, शेख सदूक वो रावी है कि जो ज़माने के इमाम की दुआ से पैदा हुआ। शेख सदूक उस पर्सनालिटी का नाम है कि जो इमाम ने जिसका नाम मोहम्मद रखा। ये
तहरान में इमामजादे शाह अब्दुल अजीम का जो अहाता है वहाँ पे ये दफन है। इनके बारे में ये है कि 1100 साल 1100 ईयर्स के बाद, रिवॉल्यूशन के बाद, आगा खुमैनी के आने के बाद इनकी खबर खुली थी, बारिश हो गई थी, पुरानी खबर थी। तो 1100 साल के बाद, 1100 ईयर्स के बाद शेख सदूक तहरान में जाकर देखे, उनकी खबर के पास लिखा हुआ है पूरा वाकया कि 1100 साल के बाद इनकी खबर खुली तो इनका कफन मैला नहीं हुआ था। इनके चेहरे पे जो दाढ़ी थी, दाढ़ी के ऊपर गुस्ल के वक्त जो पानी की नमी थी और जो दाढ़ी के ऊपर खिजाब मेहंदी लगाई थी, वो मेहंदी का रंग नहीं गया था। रावी वो है शेख सदूक, मैं नाम ले रहा, किताब का रेफरेंस दे रहा, दारुस्सलाम, उस किताब की रिवायत पढ़ो। किताब लिखी शेख सदूक से आई किताब, इसको कोट किया शेख अब्बास खुम्मी, इस वक्त बॉम्बे में मेरे पास मौजूद है किताब। ये कि तीन चीजों के बारे में कहा, खते रहम करना, कितनी कितना कॉमन आज हमारे पास है। करबला का पैगाम क्या है? करबला एक इत्तेहाद का नाम है, करबला मोहब्बत का नाम है, करबला प्यार का नाम है, करबला एक दूसरे से मिलने का नाम है। करबला वो है कि मुहर्रम आता है तो सब एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ तक के मैंने कहा कि हालत ये कि सब हुसैनी, सब शिया, सब अली वाले दिलों में हसद लेकर जब बैठे हुए हो ना, दिलों में कीना लेके जब बैठे हुए ना, सामने बड़ी सुकून से मिल रहे, सामने झुक के सलाम करे तो जवाब दे रहे, लेकिन दिलों में भरा हुआ ये रिलेशनशिप को ब्रेक करना, रिश्तेदारों के हक को अदा नहीं करना, ये तीन चीज़ें दोस्तों ऐसी हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ कि हालत ये है, इससे बात नहीं, उससे वो नहीं, उससे नहीं। ये कब तक? इस्लाम ये नहीं कहता, करबला ये नहीं कहता, मुहर्रम का पैगाम ये नहीं कहता, हुसैन की सीरत ये नहीं कहती। अपने आप को हुसैनी भी कहो, मजलिसों में भी आ रहे, मातम भी कर रहे, हजारों लाखों रुपए नजर में खर्च कर रहे, घर में मजलिस कर रहे, और ये बीमारी को लेकर तुम, अगर तुमने इस बीमारी को डेवलप किया तो ये बीमारी चलते चलते जब तुम्हारा आखिरी वक्त आएगा, सकरात मौत, सकरात मौत ऐसी बदतरीन बदतरीन अजाब है कि रिवायतों में है कि 6-6 महीने तक, 6-6 मंथ्स तक रूह निकलती नहीं, नहीं निकलती, इंसान पागल हो जाता। फरिश्ता 3 के बाद कहा कि आग का गुर्ज है उसके हाथ में। मैंने 2 किताबें, रावी का रेफरेंस दिया, बॉम्बे में किताब मौजूद है, इफ समबडी वांट्स टू सी ही कैन सी, आई कैन शो हिम, आई कैन शो हिम। गुर्ज मारता, गुर्ज मारता, 6-6 महीने, 1-1 साल, ये किसको भी हो सकता। बी केयरफुल, अपने आप को बचाओ उस लम्हे से। तीसरी चीज इमाम ने कही कि ऐसे लोगों की, इनके ऊपर शैतान इतना हमला करता, मैं कल दुआ दूंगा, मेरे साथ इस वक्त दुआएं हैं कि ये सकरात मौत के लिए, इससे बचने के लिए हर इंसान को चाहिए, हर मोमिन को चाहिए, हर मोमिन और मोमिना को चाहिए, हर लड़की और लड़के को चाहिए कि इन बीमारियों से, इस तकलीफ से बचने के लिए 2 सूरों की तिलावत हफ्ते में कम से कम एक दिन करो, एटलीस्ट वंस इन ए वीक, एटलीस्ट वंस इन ए वीक, स्पेयर सम टाइम फॉर योर डेट लाइफ, डेट लाइफ उस प्रॉपर्टी के लिए करो। आप देखें कि लोग प्रॉपर्टीज के लिए क्या नहीं करते, साल आता जाकर टैक्स दे रहे, साल आ रहा मेंटेनेंस कर रहे, सब इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल इंटैक्ट रही, प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, प्रॉपर्टी घर मेरा, फ्लैट मेरा, घर बिल्कुल सही रहना चाहिए। हम तो ये दुनिया के लिए सोच रहे कि उस फ्लैट के लिए, उस घर के लिए हम अपनी जिंदगी को सर्व कर दे रहे, अपनी जिंदगी को हराम पैसों में डाल रहे सिर्फ यहां की प्रॉपर्टी लेने के लिए। लेकिन सोचो, तुमने पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी जिंदगी की पूंजी, पूरी जिंदगी की सेविंग एक फ्लैट पर लगाई, मिसाल दे रहा हूं, एक फ्लैट पर लगाई, घर खरीदा, चाबी ली, एंटर होने से पहले मलकुल मौत ने कहा चलो, क्या हुआ, क्या हुआ? आप कह सकते हैं मलकुल मौत से, यार ठहर जा थोड़ा पहले, मैं घर तो देख लूं। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये नहीं है कि घर, दुनिया में घर मत बनाओ,
लेकिन घर बनाने से पहले रोज रात में सोचो कि मेरा बिजनेस इतना है ना, मेरे इस बिजनेस का फायदा मुझे वहां पहुंच रहा है, क्या मैंने कोई महल जन्नत में बनाया है, क्या मैंने खबर में कोई महल बनाया है? कुछ नहीं बनाया, कुछ भी नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव एनीथिंग। अगर कोई ये समझ रहा कि वो नमाज वाजिब पढ़ता है, रोजे रखता है, ज़कात देता है, खुम्स देता है, तो ये सोच के ज़िंदगी मत गुजारो कि मैंने बहुत इबादतें कर ली, 50-60 साल का हो गया, बहुत इबादतें कर ली, बड़े डोनेशंस दे दिए। डोनेशन हमारा एक रुपया भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ या नहीं? इसलिए कि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, मैं नाम तो नहीं ले रहा, डोनेशन देने से पहले पूछा कि ये बताइए कि फलां शख्स ने, फलां मोमिन ने कितना दिया? उसने कहा फुला मोमिन ने 2 लाख रुपए दिए। तो कहा अब 2,10,000 मेरा लिखे नाम। क्यों लिखे? मेरा नाम ऊपर आए, उससे नीचे ना जाए, ये तो हमारा इंटरेस्ट। उसके बाद अगर कोई छुप के दे रहा है, पोशीदा रह कर दे रहा है, कह रहे हैं फायदा क्या है? अगर मैं खामोशी से दे दूं तो फिर फायदा क्या है? समाज में, सोसाइटी में, माशरे में मेरा नाम कैसे होगा? मैं दूं तो मेरे इवन मैं अफसोस से कह रहा, तबरुक नियाज बट रही है नीचे विद द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। क्या बात है यार, नियाज बांट रहे हो ना तुम, मैं क्या करूं? तुम अपना प्रोपोगंडा कर रहे हो, नियाज नियाज मुहर्रम में करबला वालों के नाम पे खाना खिला रहे हो, नीचे लिखा हुआ विद द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। नाम करना चाहते हो, दुनिया को पता तो चले क्या अभी बिलरामी 10,000 आदमी को खाना खिलाता है? मैं हर चीज अपने ऊपर ले रहा हूं, मैं नहीं खिला रहा बाबा, मैं नहीं बांट रहा था बुरुक मैं तो। ये तो हमारी हालत है। फिर कहते हैं मौलाना मैंने उसको स्पॉन्सर किया, वो तबरुक बांटा, वो मजलिस में किया, ये मजलिस, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन आपने विद द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या किया? विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स करके पूरी चीजों को पानी में डाल दिया, फायदा क्या हुआ? नाम चाहते हो, नाम चाहते हो, तबरुक में भी, न्यास में भी नाम चाहते हो? कहां चली गई शियत, कहां चले गए हम? इफ यू डोंट चेक अवर सेल्फ, इफ यू डोंट चेक अवर सेल्फ, अमाल की हालत देखो। हम नमाज पढ़े तो मैं माशरे में सबको बोलूं मैं ये नमाज पढ़ता हूं, ये नमाज पढ़ता हूं, ये नमाज पढ़ता हूं, मैं ये ज्यारत पढ़ता हूँ, ये ज्यारत पढ़ता हूँ, ये ज्यारत पढ़ता हूँ, मैं सुबह निकलता हूँ तो 100 रुपए सदके के दे के निकलता हूँ, फायदा क्या हो रहा? वाई वाई यू वॉन्ट टू शो, वाई यू वॉन्ट टू शो, किसको बताना चाह रहे हो तुम? उससे क्यों नहीं लेते रिवॉर्ड? मैं क्या करूं? अजर 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 रिवॉर्ड लेना चाहते हो ना, यू वॉन्ट टू टेक रिवॉर्ड ना। हर इंसान की फितरत होती है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको कबूल हो, अल्लाह की तरफ से एप्रिसिएशन मिले। अगर एप्रिसिएशन लेटर किसी कंपनी में अच्छा काम करे और एप्रिसिएशन लेटर मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं, अच्छी बात है, खुश हो। मेरा बोलना यह है कि अगर न्याज में तुम खर्च कर रहे हो, पैसे दे रहे हो और नमाजें पढ़ो, सब नेकी कर रहे हो तो एप्रिसिएशन चाहते हो ना तुम, तो एप्रिसिएशन दुनिया वालों से मत मांगो, उससे मांगो। Ask him, ask him, ask him, ask him के परवरदिगार give me some appreciation, मुझे तेरे पास से एक लेटर चाहिए, तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा वो, डेस्टिनी को बदल देगा। क्या लेटर चाहते हो तुम? क्या हम किधर जा रहे हैं? प्लीज एक रुपया भी ना, एक रुपया भी अगर खर्च करो ना न्यास पे, मजलिस में, इसमें जब करो, जब करो। शायद मैंने रमजान में ये जुमला कहा था, अगर आप लाखों रुपया भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, किसी मामबारगा को दे रहे हैं, किसी यतीम खाने में दे रहे हैं, तो कहीं भी ये मत बोलो कि मेरा नाम सरे फेरिस्त है। जब दो, एक रुपया दो, 1 करोड़ दो, देते वक्त उसको यह बोलो जिसको आप दे रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं। ये बात औरतों के लिए भी, लेडीज के लिए भी, कि आप जब दें तो ये कहें उसको कि मेरा नाम मत लिखो, बंदे खुदा लिखो, आबिद बिलग्रामी मत लिखो, बंदे खुदा लिखो। आप कहेंगे वाह, करोड़ रुपया मैं दूं, दूसरों के नाम आए और मेरा नाम ही नहीं आए लिस्ट में। वेरी गुड, तुम लिस्ट में नाम ला के पूरे यहां के लोगों को बताना चाहते हो? यू वॉन्ट टू शो देम के वॉट यू हैव पेड? ठीक है, ऐसे लोग जब जाएंगे ना खबर में और कहेंगे मालिक मेरे अमाल नामे में तो फुला मस्जिद का डोनेशन आया ही नहीं, क्या कर?
मेरे आमाल नामे में फुला मजलिस में जो मैंने तबरुक न्याज बांटा था वो तो लिखा हुआ ही नहीं है। हो सकता है ये फरिश्तों ने कुछ पार्शलिटी की है। ये लोग बायस नहीं हैं, ये लोग जो है ना ये कह रहे हैं कि उसका लिख दिया ज्यादा, मेरा तो कुछ नहीं लिखा। मालिक इनसे पूछ ये लोगों ने क्यों किया ऐसे। अब अल्लाह पूछेगा उन फरिश्तों से क्या बात है भाई, व्हाट हैपन। फरिश्ते कहेंगे नहीं जो उसने किया मैंने लिखा। तो पूछेगा फिर गया कहाँ, मैं आपकी लैंग्वेज में समझाऊं, यूथ के लैंग्वेज में समझाऊं, लड़कियों की लैंग्वेज में समझाऊं। आपने कोई ईमेल किया किसी को, मुझे कोई ईमेल किया, मेरे पास आया ही नहीं, तो मैं जब क्या करता हूँ, नहीं आया, मैंने कहा बाबा मुझे कोई मेल नहीं मिला। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया तो पता चला आपने मेल भेजा था लेकिन जंक में चला गया, चला गया जंक में। वही हिसाब हमारे आमाल का होगा। आप आमाल पूरे कर रहे हैं, आप कहेंगे यार परवरदिगार इन लोगों को क्या हो गया, मैंने तो इतने अमल किया। वो फरिश्ते कहेंगे जंक में चला गया, जाके जंक में सर्च करो। जो चीज़ जंक में चली जाए वो जंकी बन जाती है। फिर बंदा कहेगा मालिक इनको चेक कर, इनको हटा दे ड्यूटी से, इन लोगों ने बराबर काम नहीं किया। हो सकता भूल गए, बिजी हो गए, बातें करने लगे, हो सकता दोनों बाजू बैठे हुए ना, हो सकता गॉसिप कर रहे हो, हो सकता बैक बाइटिंग कर रहे हो बैठकर। अल्लाह अल्लाह इतना करीम है, इतना करीम है कि एक फरिश्ते को यहां बिठाया, एक को यहां बिठाया। इस फरिश्ते को नहीं मालूम कि ये क्या लिख रहा है, इसको नहीं मालूम ये क्या लिख रहा है। एक नेकी का है एक गुनाह का है, अल्लाह गुनाहों को ऐसे छुपाता है कि फरिश्तों को नहीं पता चलता। एक को मालूम है जो लिख रहा है, यहां तक कि फौरन उनकी ड्यूटी बदल जाती है कि आने वाले को नहीं मालूम कि पता नहीं सुबह में इसने क्या गुनाह किया। ये करीम है। आप कहेंगे कि क्या हो गया दोस्तों, आजकल तो समझाना बड़ा आसान है, आजकल बहुत समझाना आसान है, इसलिए कि पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि हो सकता फरिश्ते भूल जाएं, कैसा बैठ के इतना हिसाब लिखते। आजकल तो सबके पास लैपटॉप है ना, ये जो दो फरिश्ते हैं ना इनके पास लैपटॉप है, अब तो आईपैड आ गया ना, हर के पास एक आईपैड है बैठे हुए हैं। जो आपने किया उसको एंटर किया, जो आपने किया एंटर किया, पूरी एंट्रीज इनके आईपैड्स पे आ गई, इधर वाले के ऊपर भी इधर वाले के ऊपर, दोनों आईपैड्स लेके आ गया। आ गए, जैसे ही आपका हिसाब खुला आपने कहा कि मेरे पास ये 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 मैंने किया था और ये लोग गलत कह रहे हैं, अल्लाह कहेगा जरा प्रिंट आउट तो निकालो, प्रिंट आउट तो निकालो जरा। बंदा कहेगा अच्छा प्रिंट आउट भी है यहाँ पे, प्रिंट आउट आ गया। अब बैठ के आप ढूंढने लगे कि मैंने ये किया ये किया ये किया, फौरन उसके आगे आ गया कि इन्होंने नजर में 2 लाख रुपए खर्च किए लेकिन लिख दिया था, मैं बोलूं क्या लिखा था, अभी बोला ना मैं विद द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स मैंने लिख दिया था, वो ब्रैकेट में रेड मार्क आ गया वहाँ पे रेड मार्क, वहाँ रेड मार्क, वहाँ रेड मार्क, पता चला पूरी बैलेंस शीट में रेड मार्क के अलावा कोई चीज़ ही नहीं है। अब आपके पास अगर आपका अकाउंट जीरो हो गया तो फिर आप तो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते अल्लाह से कि मैंने इतनी नेकी की, मुझे इस अंधेरे में क्यों रख रहा, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे इस अंधेरे में क्यों रख रहा। अगर आप कुछ करेंगे, इफ़ यू कैरी समथिंग देन यू आर गोइंग टू गेट इट। अगर आप कुछ कैरी नहीं करना चाहते, आप ये चाहते कि मैं जाऊँ मेरे लिए वॉक थ्रू हो जाए, मुझे कोई परवाह ही नहीं हो, मैं क्या करूं, वक्त ऐसा निकल गया 50 मिनट के ऊपर हो गया, अभी तो मैंने शुरू की है मजलिस, बहरहाल अभी 9-7 दिन हैं और बाकी, डोंट वरी, मैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे इतना सिंसियर रियल स्टेट एजेंट बनकर, ऐसा सिंसियर रियल स्टेट बनकर एजेंट बनकर मैं आपको बरजख में भी, डे ऑफ जजमेंट में भी आपके लिए एक टेम्प्रेरी फ्लैट दिला दूंगा।
और एक खूबसूरत शेड लगवा दूंगा कि आप 50,000 ईयर्स उस गर्मी में नहीं ठहरे। उसके बाद जब आप पुले सिरात पे से जाएंगे ना, उस सिरात के ऊपर से जाएंगे जिसको सबको जाना है, सबको जाना है, कोई शख्स ये नहीं बोल सकता कि मैं सिरात पे से नहीं जाऊंगा। इसलिए कि ये सिरात के बारे में हम तलखीन में भी कहते हैं कि सिरात हक है, हक है, हक है। सिरात पे भी जो इतनी लंबी है ना, वो भी उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि सिरात पे जाने के लिए रास्ता कैसा है, वहाँ कोई शॉर्टकट्स नहीं है। उसके बाद जन्नत में, ये तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इफ़ यू पीपल हेल्प मी, अगर आप मुझे हेल्प करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो तरीका बताऊंगा कि आप वहाँ पहुँचने से पहले आपकी पूरी एक टाउनशिप बन जाए। टाउनशिप, टाउनशिप बेच रहा हूं मैं जन्नत में आपके लिए। पूरी टाउनशिप मिल सकती है एक मोमिन को, लेकिन कंडीशन है उसका, अगर आप वो आमाल करेंगे, आप वो काम करेंगे। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, एक रुपये की बात नहीं कर रहा, आपको फ्री टाउनशिप मिलने वाली है। फ्री टाउनशिप, 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 पता नहीं 100 फ्लैट्स हो, 100 बंगला हो, 1,000 हो। आप कहेंगे यार वो उधार है, ये नगद है, दुनिया नगद है, वो उधार है, और क्रेडिट और कैश में फर्क होता है। बाबा जिसे तुम कैश समझ रहे हो वो तुम्हारा क्रेडिट है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो कैश है, कैश है। इसलिए कि जो तुम्हारे पास है वो गारंटी नहीं है, जो हमारे पास है वो गारंटी है। मैं गारंटी की बात कर रहा हूं। ये दुआ मैं कल दूंगा आपको, सकरात मौत के लिए एक अमल मैंने दिया, प्लीज ज़ियारत सूरह यासीन और सूरह सफ़ात। यासीन के बाद का फौरन सूरह कुरान मजीद में, कुरान मजीद में यासीन उठाए, यासीन पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट सूरह है 114 सूरों में सूरह सफ़ात। अगर कोई शख्स सूरह यासीन और सूरह सफ़ात पढ़ता है तो मासूम कहते हैं, मेरे जुमले नहीं, मासूम छठे इमाम कहते हैं कि वो सकरात मौत, तकलीफ मौत, मलकुल मौत जब उसके पास आएगा तो उसकी रूह को आसानी से लेके जाएगा। यह तो आखिरी बात है, लेकिन उससे पहले यासीन और सफात पढ़ने वाला उसके घर में ये बीमारियां नहीं होती, रिस्क की बीमारी नहीं होती, हेल्थ की बीमारी नहीं होती, परेशानियां नहीं होती, सुकून है। तो हफ्ते में एक दिन कम से कम, इफ यू रेसाइड डेली वेरी गुड। यासीन तो सब पढ़ते होंगे, सूरह सफात भी कोई बड़ा सूरा नहीं है, लेकिन यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरा है। छठे इमाम कह रहे कि यासीन और सफात पढ़ने वाला मोहताज नहीं रहता, मोहताज नहीं रहता। लड़की की शादी के लिए बेहतरीन सूरा, अगर बिजनेस के लिए बेहतरीन सूरा, कारोबार में बरकत के लिए बेहतरीन सूरा, मरहूमीन के लिए बेहतरीन सूरा, अपने बाप माँ भाई बहन सबको इसमें बख्शवा सकते। अगर जॉब का नहीं है तो कोई शख्स अगर यासीन और सफात पढ़कर घर से निकले और निकल के इंटरव्यू को जाए तो वो इंटरव्यू में कामयाब होता है। इसलिए कि यासीन की आयत नंबर 8 जो है, आयत नंबर 8 जो है, वजअल्ना मिन बैने अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दन फअक्षयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये जो मशहूर आयत है, ये आयत आपको रिस्क में कामयाबी देगी, इंटरव्यूज में कामयाबी देगी, बिजनेस में कामयाबी देगी, हेल्थ वाइज कामयाबी देगी। कोई बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है, कोई बीमार है, शदीद बीमार है, उसके ऊपर ये आयत पढ़ो। अगर किसी के सामने पर्दे लाना चाहते हो, सूरह यासीन की आयत पढ़ो। सूरह यासीन की ये वो आयत है कि जिस आयत को पहले मोहम्मद ने भी पढ़ा था, आखिरी मोहम्मद ने भी पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अल्लाह वल्लाह। मैं यहां की इंतजामिया को ये दे दूंगा, ये लो कल फोटो कॉपी करा के आपको बांट देंगे, ये गिफ्ट है दूसरी मजलिस का। ये कल दूसरी चीज दूंगा, ये जिसमें जो दुआ है वो दुआ की डिटेल्स मैं कल बताऊंगा। मेरा वक्त पूरा हो गया, 1 घंटे के 55 मिनट्स पूरे हो गए। बहरहाल मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा करे, मौला रिजवी साहब की तौफीकात में इजाफा करे और उनके रिस्क में बरकत अता करे, उनको सेहत के साथ रखे। कि इतना बड़ा अजा हमको जो वो करवाते हैं बांद्रा के लिए, एक बहुत बड़ी रहमत है। ये मजलिस, मजलिस हुसैन ही रहमत है,
बिलीव मी, मजलिस हुसैन एक ऐसी रहमत है कि अगर हमारी आंखों के सामने से ये पर्दे हटें तो अंदाज़ा हो कि इस मजलिस में कौन कौन बैठा हुआ है। आपको मालूम जब मजलिस होती है तो ये यकीन है कि मलाइका बीबी आती हैं और मलाइका भी आते हैं। जब मलाइका हुसैन की मजलिस से वापस, ये रिवायत भी छठे इमाम से है, जब मलाइका मजलिस करके वापस जाते हैं अपने अपने मकामात पर, तो दूसरे एंजल्स, दूसरे मलक पूछते हैं कि तुम्हारे पास से इतनी खुशबू क्यों आ रही है। तो वो कहते हैं कि हम हुसैन की मजलिस में गए थे। तो फिर वो अल्लाह से कहते हैं कि परवरदिगार हमको भी इजाज़त दे कि कम से कम हम उस जगह पे जाके बैठ जाएं जहाँ जिक्र हुसैन हुआ। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। मजलिस हुसैन एक रहमत है, एक गिफ्ट है जो हमको मिला। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हमारी माओं को अच्छा रखे कि माँ की पाक और पाकीज़ा दामन था जिसकी वजह से आज हम फर्श अज़ा पे आए। जिनके माँ बाप मर गए उन पर रहमत नाजिल करें। मजलिस दोस्तों, आज 3 मुहर्रम की रात है, 3री की रात है, 2 दिन मुहर्रम के गुजर गए और ये अशआर तो इतनी तेज़ी से जाता है। हर घर में अज़ाए हुसैनी है, मुसलसल हर जगह हुसैन की अज़ा हो रही है। हुसैन जो 60 हिजरी 28 रजब को मदीने से चले थे, चलते चलते आज हुसैन करबला पहुंच गए। लेकिन रास्ते में जब हुसैन आ रहे थे करबला से कुछ फासला पे इमाम थे, तो उस वक्त इमाम एक जगह ख़याम किए हुए थे। इमाम के साथ जो लोग थे उन लोगों ने कहा, मौला सामने से कोई लश्कर आ रहा है, कोई आर्मी का दस्ता आ रहा है। तो इमाम ने अबुल फजल से कहा, भैया जाओ मालूम करो कौन है। अब्बास आगे बढ़े तो देखा कि ये हुर का लश्कर था जो प्यास से बेचैन था। इतनी प्यास कि उनकी ज़बानें बाहर आ गई थी, जानवर भी प्यासा था। अब्बास ने आके कहा, मौला हुर के साथ 10,000 का लश्कर है और सब प्यासा है। हुर यजीद की तरफ से बन के आया था। तो आपको पता है इमाम ने क्या किया? इमाम ने कहा, भैया अब्बास पूरे मशकों के मुंह खोल दो, सबको पानी पिलाओ। अब्बास ने कहा, मौला हमारे साथ बच्चे हैं, बीबियाँ हैं। हुसैन ने कहा, अब्बास अगर कोई प्यासा मेरे सामने आ जाए, ये कहा जानवरों के सामने भी बर्तन में इतना पानी रखो कि 3 दफ़ा जानवर मुंह फेर ले उसके बाद हटाना। और ख़ुद इमाम हुसैन एक एक सिपाही के पास जाके चेक कर रहे थे कि तूने पानी पिया। जब पूरे पानी पी चुके, सेहराब हो गई, ज़िंदगी वापस आ गई, तो हुर ने आके हुसैन से कहा कि मौला मैं आपको कहीं और जाने नहीं दूंगा, मैं यजीद की तरफ से आया हूं और आपको मैं करबला लेके जाऊंगा। हुसैन खामोश बैठ गए। हुर ने अपने इन हाथों से इमाम हुसैन के जुलजना की लजाम पे हाथ डाल के कहा, फर्जंदे रसूल मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जैसे ही डाला, हुसैन ने हुर को देख के कहा, हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए। अरब का यह दस्तूर था कि अगर किसी को ये कह दे कि तेरी माँ तेरे गम में रोए, तो इसका मतलब है तुझे मौत आए और तेरी माँ रोए। अरब में ये ऐसी बात थी कि अगर किसी को कह दे तो वो तो तलवार लेके आगे बढ़ जाए। और हुर जो है सरदार था अपने कबीले का, अपने ट्राइब का, बहुत बहादुर था। जैसे ही इमाम ने कहा तेरी माँ तेरे गम में रोए, हुर ने सर को झुकाया। सर को झुका के एक जुमला कहा कि फर्जंदे रसूल आज अरब की ज़मीन पर किसी माँ का कोई बेटा नहीं है जो मुझसे इस तरह बात करे, लेकिन मैं आपकी माँ का नाम आसमानों के नीचे नहीं लेता। मैं फातिमा का नाम आसमानों के नीचे नहीं लेता। आप फातिमा के बेटे हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहता। अजीजों, हुर को इतना एहतराम था, आज मैं हुर की शहादत नहीं पढ़ूंगा। हुसैन वहां से उस ख्वाब हुर के साथ
काफिले को लेके करबला की ज़मीन पर आज की सुबह पहुँचे। जब करबला की ज़मीन पर हुसैन का ये लश्कर पहुँचा तो हुसैन जिस जुलजना के ऊपर थे वो जुलजना आगे नहीं बढ़ता। हुसैन उतर गए, दूसरे घोड़े को मंगवाया, उस पर सवार हुए, लेकिन वो घोड़ा भी आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने 6 या 7 जानवरों को बदला। इमाम जानता था ये क्या है, लेकिन हुज्जत को तमाम करना था। जब पूरे जानवर कोई आगे नहीं बढ़ता तो इमाम ने वहाँ के कबीले वाले जो ट्राइब्स थी वहाँ पर बनी असद वाले अबुल फजल से कहा, भैया करीब में जाके देखो कि कौन है यहाँ पर, कौन रहता है। तो अबुल फजल जाकर बनी असद वालों को लेकर आए, उनके आए, उनको जब पता चला कि फातिमा का बेटा आया है तो औरतें भी आ गईं ज़ियारत को, बच्चे भी आ गए। बस आज़ादारों, आज 2 मुहर्रम गुजर गया, 3री की रात है, आज ऐसा पुरसा देना है कि बीबी आपको दुआ दे। करबला हुसैन पहुंचे कैसा, बस सुने। अब उसके बाद क्या हुआ, एक एक बनी असद वाले आए, इमाम ने इनके बुजुर्गों से, इनके लोगों से बात की, बात करके कहा ये बताओ इस ज़मीन का नाम क्या है। इमाम जानता था, इमाम को इल्म था, लेकिन इमाम हुज्जत को तमाम कर रहा था। पूछा तो किसी ने कहा कि मौला इसे नैनवा कहते हैं, तो इमाम ने कहा क्या कोई और नाम है, तो किसी ने कहा इसे शत्तुल फुरात कहते हैं। इमाम कुछ नाम सुनना चाहता है, इमाम ने कहा कोई और नाम है, तो किसी ने कहा मौला इसे मारिया कहते हैं। इमाम ने कहा और भी कोई नाम है, तो एक बड़ा बुजुर्ग ज़ईफ आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहा मौला इसे करबला कहते हैं। बस करबला सुनना था। इमाम ने कहा कि अब्बास अब काफिले को यहीं रोक लो, अब काफिला आगे नहीं बढ़ेगा, बीबियों को यहीं उतार दो, अमारियों को यहीं बिठा दो, खैमे लगा दो, यही हमारा मस्कन है। अजीजो खैमे लगाए गए, बीबियां खैमे के पीछे आ गई, अंदर आईं और लोग रुक गए, पूरा हुसैन का काफिला रुक गया। तो कुछ देर गुजरी, कुछ देर गुजरी, शहजादी ज़ैनब ने फिज़ा को बुलाया और बुला के कहा फिज़ा सुनो, जाकर मेरे भैया को बुला कर लाओ, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं बड़ी परेशान हूँ। अजीज़ो फिज़ा जाकर इमाम से कहा कि मौला आपको बीबी बुलाती हैं। हुसैन ज़ैनब का नाम सुन के बीबी के खैमे में गए, बी ज़ैनब को देखते कि बहन ने भाई से कहा भैया ये कैसी जगह है, भैया जब से मैं आई हूँ मेरे खैमे के पीछे से किसी बीबी की रोने की आवाज़ आ रही है, वो बीबी ऐसा रो रही जैसे उसका घर उजड़ गया। बीबी भैया मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ये कौन सी जगह है। तो हुसैन ने कहा बहन ये करबला है, तुमने पहचाना नहीं, वो हमारी माँ फातिमा है। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, इसी तरह पुरसा दो। हुसैन के नाम पे तकल्लुफ से मत रो तकल्लुफ से, आवाजें बुलंद गिरिया करो। ज़ैनब ने कहा भैया, तो कहा बहन वो हमारी माँ फातिमा है जिसकी आवाज़ आ रही है, बहन ये करबला है। बस अजीज़ो उसके बाद इमाम ने बनी असद वालों को बुला के कहा कि मैं इस ज़मीन को ख़रीदना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने कहा मौला आप मत खरीदे मौला, इसलिए कि हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि इस ज़मीन पे जो आया वो मुसीबत में घिर गया, हम नहीं चाहते कि मौला आप ये ज़मीन ख़रीद के कोई मुसीबत में आए। तो हुसैन ने कहा भाई अब हमको क़यामत तक यहीं रहना है, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इमाम ने ज़मीन को ख़रीदा, पैसे दिए, अब्बास से कहा कि जो रकम मांगी थी वो दिया, एक दस्तावेज़ एग्रीमेंट बनाया, बना के सब साइन होने के बाद इमाम ने पलट कर उसको वापस किया बनी असद वालों को, हिबा किया, गिफ्ट किया और कहा कि मैं तुमको ये ज़मीन वापस कर रहा हूँ, इसलिए कि हम बस 10 दिन और ज़िंदा रहेंगे, 10 तारीख को हमारी शहादत हो जाएगी, लेकिन याद रखो मेरी शहादत के बाद अगर मेरा कोई ज़ायर आए, कोई मेरी ज़ियारत करने के लिए आए, तो उसको भूखा नहीं रखना, उसको प्यासा नहीं रखना, उसको मेहमान जरूर करना। अरे खुद तो भूखे शहीद हो गए, हमारा इतना ख्याल किया कि जो भी मेरा जाहिर आए उसको
अजीजों मेहमान जरूर रखना, मेहमान जरूर रखना। अजीजों बनी असद वाले रोने लगे, यही वजह है, यही वजह है कि आज आज आशूरे के साथ, अरबईन के साथ लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में जायरीन बसरे से पैदल जाते हैं। जब जाते हैं तो रास्ते में कैंप्स बने हुए हैं, वहां खाने का इंतजाम होता है। आपने अपनी आंखों से अरबईन और आशूरे में देखा होगा कि जब जायर जाता है तो करबला के इराक के लोग उस जायर के पैर दबाते हैं, कहते हैं तुम दूर से आ रहे हो ना, मेरा इमाम पैदल गया था कांटों के ऊपर, मेरा मौला कूफा और शाम में पैदल गया था, तुम मेरे हुसैन की जियारत को आ रहे हो ना, पैर दबाते पैर दबाते, हाथों को जोड़ के खाना खिलाते, कहते ये खाना खा लो हुसैन के नाम पे, इसलिए कि हुसैन की वसीयत थी जो मेरा जायर आए उसको खाना जरूर खिलाना। आज आज तक वही होता है। उसके बाद हुसैन ने बनी असद वालों को बुला के जमीन को हिबा किया, हिबा करके कहा मेरे जायरीन आए तो उनका ख्याल रखना। उसके बाद हुसैन ने बनी असद वालों से कहा सुनो, मेरी शहादत के बाद ये दुश्मन हमारी लाशों को ऐसी छोड़ देंगे, तुम आना और आके हमको दफन कर देना। ये कहकर हुसैन खामोश नहीं बैठे, औरतों को बुलाया, बुला के कहा सुनो अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत के खौफ से हमें दफन नहीं करें तो ये दरिया पे पानी के बहाने आना और हमारी लाशों पे मिट्टी डाल देना। अब हुसैन की गुर्बत और बड़ी, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, गोद में लिया, प्यार किया, प्यार करके कहा बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप हमको दफन नहीं करें तो खेलते हुए आना, खेलते हुए आना, हमारी लाशों पे मट्टी डाल देना। अजीजों यही वजह है कि आज भी 12 मुहर्रम को अगर आपको करबला की ज़ियारत नसीब हो, 12 मुहर्रम को अजीजों जब काफिले चले गए थे, बनी असद के मर्द घर से चले ये सोच के चले कि हमको हुसैन को दफन करना है, तो औरतों ने कहा नहीं, हुसैन ने हमसे भी वसीयत की, हम भी जाएंगे। बच्चों ने कहा हमसे भी कहा था, बच्चे भी चले। सामने सामने मर्द हैं, पीछे पीछे औरतें हैं, उनके पीछे बच्चे हैं। जब ये काफिला करबला के मैदान में पहुंचा तो देखा हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, किसी का सर नहीं है, किसकी लाशें नहीं मालूम, अब दफन कैसे करें। वो परेशान थे, देखा सामने से ऊंट के ऊपर एक सवार है जो आ रहा है, अजीब सवार है, तौख जंजीर में गिरफ्तार है। ऊंट से उतरा, तौख जंजीर को हटाया, कहा हमारे करीब आओ। जब ये बनी असद वाले गए तो वो आने वाले ने एक लाश के करीब लेकर गया, उसका सीना जख्मी था, अपने सीने पे मार के कहा ये मेरा भाई था। उसकी मैयत को उठाया, एक लाश के पास गया जो टुकड़े हो चुकी थी, कहा ये मेरा खासिम था। एक छोटी छोटी मैयतों को उठाया, कहा ये आनो मोहम्मद थे। उसके बाद एक छोटी सी मैयत को उठाया जिसका सर नहीं था, कहा ये अली असगर है। वहां से चले, नशेब में उतरे और सर पीट के रोने लगे, ये मेरा बाबा। कहा तुम कौन हो, तो कहा मैं सैयद सज्जाद हूं। वहां से एक नहर पे आए, अब्बास की लाश को देखा, कहा चचा आप तो आराम कर रहे हैं, ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई। ज़ैनब परवरदिगार मेरी शहजादी ज़ैनब के मसाइब का वास्ता, इन आवाज़ों पे तू अपनी रहमत को नाजिल फरमा दे, हमारे आंसुओं को कबूल कर ले, हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा दे। बीबी का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे, हमारे मरहूमीन को बख्श दे, रिजवी साहब के तौफीकात में इजाफा फरमा, जो जो मौला के चाह, सब मिल के आमीन कहिए, जो जो मौला के चाहने वाले बीमार हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला अता फरमाइए। परवरदिगार इमाम हुसैन के बच्चों की भूख और प्यास का वास्ता, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी दे दे, जो बरसरे रोज़गार इनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा,
जो कारोबार कर रहे हैं उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है, इराक, ईरान, लेबनान, पाकिस्तान, बहरीन, सऊदी अरेबिया में और दुनिया भर में जहाँ भी आज़ादारी हो रही है उसकी हिफाजत फरमा। दुश्मना ने आज़ादारी को ख़त्म कर दे। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा। हमारे इमाम को सलामत रख। जिनके माँ बाप जिंदा है उन्हें सलामत रख। जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी खबरों में रहमतों को नाजिल फरमा। ज़माने के इमाम को सलामत रख। इमाम के जहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। कल ठीक 9 बजे मजलिस होगी। एक सूरह फातिहा रिजवी साहब के वालिदैन के लिए, उनके बेटे के लिए और जनाब अख्तर इमाम साहब।